श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? प्रेडिक्शन है आज का बुध ग्रह का, मृगशिरा नक्षत्र में जो भ्रमण शुरू होने वाला है इसके बारे में आज का ये प्रेडिक्शन है। बुध अभी रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। आज तारीख 9 जून 2024 है और 11 तारीख से बुध का जो ये ट्रांजिट है मृगशिरा नक्षत्र में होने वाला है और ये 17 तारीख तक चलेंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जिसमें से 11 से 14 ये चलेंगे वृषभ मृगशिरा और इसके बाद चलेंगे 14 से 17 तीन दिन चलेंगे मिथुन मृगशिरा। तो मृगशिरा नक्षत्र में बुध का फल क्या रहेगा, मंगल के नक्षत्र में अग्रेसिव कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा और जिसके लिए भी ये विपत नक्षत्र में है, वध नक्षत्र में है, ऐसे जातकों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा वाणी व्यवहार और वर्तन में, अन्यथा बहुत से प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं, बैंकिंग, कॉमर्स, कंसल्टिंग, फाइनेंस, वाणी के मालिक, इवन दो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, आपके जेब में जो पैसा है, इस सब के ऊपर कंट्रोल करने वाले ग्रह बुध ग्रह का ट्रांजिट मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में क्या परिणाम देने वाले हैं, जानते हैं विस्तार से नक्षत्र से और राशि से आज के इस प्रेडिक्शन में। तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो कर्ण है ये देव है, नाड़ी मध्य है और इसकी योनि सर्प योनि है। सर्प बोले तो सांप, और सर्प आपको सबको मालूम है कि जो जिसका नेचर है शॉर्ट टेम्पर नेचर वाला, तो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, उसको थोड़ा भी आप छेड़ते हो तो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं छेड़ते हैं तो भी ये कहीं कभी कभी आपको डस सकते हैं, इस प्रकार की जो ये कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो और वाणी में उग्रता हो तो ये तो कभी भी वाजिब है नहीं ना फ्रेंड्स, क्योंकि बनिया बुद्धि ऐसा कहती है कि जब आप वाणी व्यवहार में उग्रता करते हो तो आपका नुकसान ही है। इसलिए आपने कभी भी शायद नहीं देखा होगा कि जो बनिया है कभी आपको आपके साथ, जो पक्का बनिया है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कभी आपके साथ गाली गलौज करेगा, मारा मारी करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर है, उनके जो विजडम बोलते हैं, साणपण बोलते हैं, ये एवरीथिंग इज जो बुध है इसके कारण होता है। तो बुध उनको समझ देते हैं। तो बुध ग्रह जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, ये सब के जो बुध होते हैं वो पावरफुल होते हैं। तो बुध का रोल क्या रहेगा मेष राशि के लिए, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए अपने परिवार के साथ या नेबर्स के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। भरणी वाला जातकों के लिए एक स्टैम्प तारा है, तो भरणी के लिए ठीक फल रहेगा इसका। और कृतिका के लिए वंश के लिए विपत नक्षत्र है, तो जैसे बताया कि पारिवारिक सदस्यों के साथ और अपने भाई बहन के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। वृषभ राशि के लिए बात करें तो वृषभ कृतिका के लिए भी इसका फल ठीक नहीं है, और राशि से जो धन स्थान में जाने वाले बुध हैं इसके इम्पैक्ट में खास करके आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाणी व्यवहार में उग्रता ना हो उसका खास क्या करना होगा। वृषभ मृगशिरा के लिए जन्म नक्षत्र है तो ठीक ठाक है, वृषभ आद्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, लेकिन फिर भी तमाम वृषभ के जातकों को वाणी व्यवहार में उग्रता ना हो अपने परिवार के साथ इसका खास ख्याल करना होगा। तीन नंबर यानी कि मिथुन राशि के लिए जो बुध है मिथुन मृगशिरा के लिए 12वें स्थान में है, तो 14th ऑफ जो
जून तक, 14 जून तक आप अनकंफर्ट जोन के अंदर हैं, उसके बाद फिर आपका कंफर्ट जोन बढ़ता है। आद्रा वाले जातकों के लिए अति मित्र नक्षत्र में होंगे, पुनर्वसु के लिए मित्र नक्षत्र में होंगे, लेकिन कंफर्ट, ओवरऑल कंफर्ट जोन जो है आपका 14th ऑफ जून के बाद ज़्यादा है। कर्क राशि के लिए जो बुध हैं आपके लाभ स्थान में से निकलकर 12वें स्थान में जाने वाले हैं, तो 14 तारीख के बाद आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो कर्क पुनर्वसु के लिए मित्र हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये वध नक्षत्र है, तो सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है हु आर बोर्न इन पुष्य, जिनका जन्म का चंद्र पुष्य है, सूर्य पुष्य है, या जन्म लग्न पुष्य है, ये तमाम जातकों के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा। अपने मित्रों के साथ, अपने संतानों के साथ आपका वाणी व्यवहार में बहुत केयरफुल रहना होगा। आश्लेषा वाले जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपको कहीं ना कहीं ये लाभ करने की सिचुएशन में रखने वाले हैं। सिंह राशि में जन्मे जातकों के लिए बुध का ट्रांजिट 10वें एवं 11वें स्थान में होने वाले हैं, और 10th हाउस में जो बुध है मका के लिए प्रत्यारी है, तो फादर के साथ जॉब में अपर लेवल के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट डैट। एंड पूर्व फाल्गुनी के लिए एक सैम तारा है तो ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के लिए ये विपद नक्षत्र होगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी जॉब में अपर लेवल के साथ, फादर के साथ वैचारिक संघर्ष ना हो, वैचारिक मतभेद ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा ना पड़े, उसका केयर करना होगा। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए विपद नक्षत्र भाग्य स्थान में और 10वें स्थान में, तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपकी आइडियोलॉजी इम्प्रूव होगी, और आप जो आइडिया आपके दिमाग में आता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो ये सक्सेस जोन के टावर्स आपको ले जाने वाले हैं। कन्या चित्रा के लिए जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है। तुला चित्रा के लिए भी फल शुभ होगा, लेकिन 14 जून के बाद, 14 जून के बाद, क्योंकि तब तक बुध 8वें स्थान में चलता है, तो ऐसा कहता है कि बुध की उल्टी हमारे पर चलती है। अब हमको तो ये पता है नहीं कि उल्टी चलती है कि सीधी चलती है, लेकिन ओवरऑल ट्रांजिट 14th ऑफ जून तक लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आप सबको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, तुला राशि वाले तमाम जातकों को। तुला चित्रा के लिए जन्म नक्षत्र है, स्वाती के लिए अति मित्र है, विशाखा के लिए मित्र है, तो तमाम तुला राशि वाले जातकों के लिए इसका फल शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो बुध 7वें स्थान से निकलकर 14 तारीख के बाद अष्टम स्थान में जाने वाले हैं, 8वें स्थान में जो बुध है इसका फल शुभ नहीं है, और वंस अगेन यू शुड बी टेक केयर इन टेकिंग एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ, क्योंकि जिनका जन्म का चंद्र वृश्चिक में है इसके साथ बुध षडाष्टक योग करेंगे, और जिनका भी जन्म का नक्षत्र विशाखा है इनके लिए ठीक है, मित्र है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जन्म जातक रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बुध वध नक्षत्र में 8वें स्थान में पारिवारिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है, जबकि ज्येष्ठ वाले जातकों के लिए कुछ आकस्मिक लाभ भी, गुप्त लाभ भी मिल सकता है। धनुराशि के लिए बात करें तो बुध 6th हाउस से निकल कर 7th हाउस में जाने वाले हैं, मूला के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र हैं, साथ में काम करने वाले आपके साथ हैं, ऑपोजिशन क्रिएट करेंगे। पूर्व षडा के लिए एक सैम तारा है तो ठीक है, उत्तर षडा के लिए बन सके ये विपद नक्षत्र है, तो आपको भी साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के साथ ऑपोजिशन क्रिएट ना हो उसका केयर करना होगा। और मकर उत्तर षडा के लिए जो नक्षत्र हैं ये आपके लिए विपद नक्षत्र 6th एवं 7th पंचम एवं 6th हाउस के अंदर होगा, तो मकर उत्तर षडा के लिए भी ये विपद भी है और योनि दोष भी बनता है,
तो मकर उत्तराषाढ़ अभी जो भी जातक हैं, सह सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के काम करते हैं, इनको भारी लॉस या तनाव आ सकता है। तो इन समय के दरमियान कोई भी ज़बरदस्त गैम्बलिंग वाला काम आपको नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन फाइनेंस के रिगार्डिंग भी आपको नहीं लेना है इन समय के दरमियान। मकर उत्तराषाढ़ा के बाद मकर श्रवणा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपको ये संपत्ति देने वाले हैं, आकस्मिक कुछ लाभ करने वाले हैं। मकर धनिष्ठा के लिए ये जन्मतारा है, तो जन्मतारा हमेशा शुभ फल देता है। कुंभ धनिष्ठा के लिए भी ये जन्मतारा में चलेंगे तो आपके भी काम बनने वाले हैं, बिजनेस कारोबार आपका बढ़ने वाला है। और 14 तारीख के बाद बुध आकस्मिक कुछ बड़ा लाभ भी कर सकते हैं। कुंभ शतभिषा के लिए अतिमित्र नक्षत्र हैं, कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र नक्षत्र हैं। तो तमाम ट्रांजिट जो कुंभ राशि वाले जातक हैं इनके लिए मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले बुध शुभ परिणाम देने वाले हैं। और मीन पूर्व भाद्रपद के लिए मित्र नक्षत्र होंगे, लेकिन मीन उत्तर भाद्रपद के लिए ये वध नक्षत्र है। और बुध आपके जो चलने वाले हैं पराक्रम भवन से निकल कर सुख स्थान में जाने वाले हैं, लेकिन उत्तर भाद्रपद के लिए ट्रांजिट ठीक नहीं होगा, लेकिन रेवती में जन्म जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। तो आपके मकान प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर से कुछ लाभ मिलने की संभावना बनती है, यानी कि ज्येष्ठा अश्लेषा और रेवती ये तमाम जातकों के लिए एक्सीलेंट जोन शुरू होने वाला है 11 तारीख से। और लंबे समय से कुछ आप स्ट्रेस तनाव महसूस करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन रहने वाला है। जिनके जन्म के सूर्य के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा, ऐसे लोगों की जो जातक हैं इनकी बुद्धि में आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। जिनके जन्म के चंद्र के ऊपर से बुध होंगे ऐसे जातकों का माइंड का वाइब्रेशन बढ़ सकता है। जिनके मंगल के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा ऐसे जातकों का एग्रेसिवनेस बढ़ेगा वाणी के अंदर खास करके। और जिनका बुध के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा ऐसे जातकों की आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। जिनके जन्म के गुरु के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा ऐसे जातकों का विजडम बढ़ेगा। जिनका जन्म के शुक्र के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा ऐसे जातक का कुछ आर्टिकल लिखना और शायरी लिखना, प्रेम पत्र लिखना, इस प्रकार की कुछ घटना बन सकती है, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी बुध जो है वो दिमाग के कारक हैं। जिनके जन्म के शनि के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा उसकी बुद्धि शार्प होगी, क्योंकि शनि बुध तीव्र बुद्धिशाली योग बनता है। जिनके जन्म के राहु के ऊपर से बुध का ट्रांजिट होगा ऐसे जातकों की भी आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। और आईटी वाले जो भी पर्सन हैं इनका भी काम काज इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि राहु अब आपके अति मित्र नक्षत्र में आने वाले हैं, तो आईटी सेक्टर भी अब बढ़ने वाला है काम काज आईटी वालों का भी। और जिनके जन्म के केतु के ऊपर से बुध का भ्रमण होगा ऐसे जातकों को भी ये कुछ आकस्मिक लाभ करने वाले हैं। बुध के मृगशिरा नक्षत्र की शांति के लिए हरा वाला मूंग, सफ़ेद तिल और गुड़ मिक्स करके आपको गाय को खिलाना है और खुद को आपको भी खाने में प्रयोग करना है। नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन चैनल को चैनल ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।